हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा लव आर्ट। तो देखिए, आज मैं इस तरीके की ड्रेस लड्डू गोपाल जी के लिए बनाऊंगी। इसको बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरीके की अपने लड्डू गोपाल जी के लिए नाइट ड्रेस बना सकते हैं। ये नाइट में पहनाने के लिए बहुत ही सुटेबल है, तो आप इस तरीके की ड्रेस बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ड्रेस और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये हैंकी ले लिया। एक हैंकी की मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये एक साइड से लगभग 10 इंच का है और एक साइड से 9 इंच का। ये इस तरीके के हैंकी आते हैं, कोई लंबाई या चौड़ाई उनकी अलग अलग होती है। तो ये यहाँ पर ही देखिए, मैंने इसको कम जो साइड था हमारा चौड़ी, उस साइड से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। इधर से एक बार इक्वल्स एकदम बराबर से मेज़र करते हुए इसको नाप लेंगे। फोल्ड कर दिया। ये देखिए 4.5 इंच इधर से आई हमारा इधर की साइड से है। अब इसकी हम इस पर निशान लगा लेंगे कटिंग करने के लिए, क्योंकि हम लॉन्ग जैकेट बना रहे हैं। तो ये पूरा हम इसका एक साइड पूरा हिस्सा इस तरीके से ले लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इस मैंने लगभग 2.5 इंच की यहाँ पर मैंने लिए है। यहाँ इस तरफ से मार्क लगा दूंगी इधर की साइड से, और एक अगर हम इधर से देखें तो यहाँ से मैं 2 इंच की ले रही हूँ। 2 इंच पर निशान लगा लेंगे इधर से, 2 इंच इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, और एक इधर की साइड से स्लीव्स के लिए करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हम देखिए, जो हम लेंगे लगभग यहाँ पर 1.5 इंच का, 1.5 इंच रखते हुए यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये हमारा स्लीव्स के लिए निशान है। तो देखिए, थोड़ा सा ये क्लियर आपको नज़र नहीं आ रहा है, मैं इसकी निशान लगा करके इसको हमें आपको कट करके दिखाती हूँ। यहाँ से अच्छे तरीके से इस पर इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, मैं इसको कट कर देती हूँ। ये यहाँ से स्लीव्स की कटिंग ले लेंगे। तो ये एक साइड का हमारा हिस्सा कट हुआ है। ये देखिए, अब सेम इसी तरीके से हम इसको दूसरी साइड रखेंगे और दूसरा हिस्सा हम इसमें से कट कर लेंगे। देखिए, इधर की साइड से इसको इक्वल्स अच्छे तरीके से सेट कर दिया हमने। अब इसको एक हिस्से को इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पर रख करके बिल्कुल बराबर, तो हम इसका दूसरा पार्ट भी कट कर लेंगे। इस तरीके से लगाते हुए इधर से भी इसकी कटिंग कर देते हैं। बहुत ही इजीली कट हो जाता है। एक साइड हमारा कट करते हैं जब मेज़र करके, तो दूसरी पार्ट को हम इजीली कट कर सकते हैं। एक पार्ट को रख करके उसके ऊपर से कटिंग लगा देंगे। तो देखिए, हमारा ये दूसरा पार्ट भी कट हो गया है। तो इस तरीके से हमें दोनों पार्ट देखिए इस तरीके से हमारे पास आ जाएंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से हमारी जैकेट हम बना करके इससे तैयार करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये हम अपने स्लीव्स के इतना सा पार्ट फोल्ड करके इस पर सुई धागे से इसको लॉक कर देंगे। तो देखिए, दोनों पार्ट के हमने स्लीव साइड को सुई धागे से इसको अच्छे तरीके से सिलाई लगा करके लॉक कर दिया है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, अपना इधर की साइड से
इतना रखते हुए इस तरीके से जोड़ते हुए इसको हम सुई धागे की हेल्प से यहाँ पर भी हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर भी स्टिचिंग कर देते हैं इसकी। तो यहाँ पर भी मैंने इसकी ये देखिए एक साइड से सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें ये देखिए इस तरीके से आई है हमारी। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा फोल्ड करेंगे जैकेट को। इस तरफ से फोल्ड करेंगे दोनों साइड से। इधर की साइड से हम सुई धागे से इस पर स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करते हैं। दोनों साइड पे सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोनों साइड से मैंने इस पर स्टिचिंग करके इस तरीके से हमारी जैकेट बन करके नाइट ड्रेस की लड्डू गोपाल जी के लिए तैयार कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसको बनाना बताया है और बहुत ही आसानी से आप ये फटाफट से बना करके रेडी कर सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से आएगी। आप इस पर कोई भी टिच बटन वेलफ्रो वगैरह लगा करके आगे से तैयार कर लें। देखिए बहुत ही सुंदर सी। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे और लड्डू गोपाल जी की आपको इस तरीके की ड्रेस अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।